हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम यू हैड व्हाइल शॉपिंग ऑनलाइन और इन अ स्टोर्स। दोनों में से कोई भी एक के बारे में बोल सकते हो। अंदर के क्यूज हैं, व्हेन डिड इट हैपन, व्हाट डिड यू बाय, व्हाट प्रॉब्लम डिड यू फेस एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस। सो पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई समय को डिस्क्राइब कीजिए जब आपने कोई प्रॉब्लम फेस की, या तो ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त या फिर आप जब कोई स्टोर में गए तब आपने ये प्रॉब्लम फेस की। ऐसा कब हुआ था, आपने क्या खरीदा, आपने क्या प्रॉब्लम फेस की, और ये एक्सप्लेन कीजिए कि आपको इस अनुभव के बारे में कैसा फील हुआ। तो ज्यादातर लोगों को जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, दे विल बी टेम्प्टेड टू टॉक अबाउट कि उनको शायद प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ या फिर डैमेज प्रोडक्ट डिलीवर हुआ। ये बहुत ही कॉमन आइडिया है। हम जो आइडिया डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा ही यूनिक है, और हम ऐसा बोलने वाले हैं कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे तो हमारे पैसे डिडक्ट हो गए लेकिन हमें प्रोडक्ट की डिलीवरी का नोटिफिकेशन नहीं आया, हालांकि वो प्रॉब्लम बाद में रिजॉल्व हो गया। अगर आप मेरे क्यू कार्ड्स के आइडियाज की पीडीएफ बुक खरीदना चाहते हैं, जिस बुक का नाम है माई बुक ऑफ आइडियाज, तो आप मुझे डायरेक्टली संपर्क करके ये फोन नंबर पे मुझसे ये बुक खरीद सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 7433016809। जो क्यू कार्ड के आइडियाज की बुक है उसमें सारे पार्ट वन के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, क्यू कार्ड्स के टॉपिक्स हैं, और जो नए टॉपिक्स है उसके एक नहीं बल्कि इस बार दो आइडियाज हैं, एंड उसके फॉलो अप क्वेश्चंस भी है। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। आई फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग अ फ्यू वीक्स अगो। सो ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो मैंने कुछ हफ्तों पहले फेस की। आप चाहो तो ये टाइम को चेंज कर सकते हो। एक्चुअली देयर वाज अ सेल गोइंग ऑन एंड द सर्वर्स वर वेरी बिजी। आई वाज द विक्टिम ऑफ दिस सिचुएशन, बट थैंकफुली इट गॉट रिजॉल्व्ड आफ्टर अ लिटिल हैसल। सो सेल चल रही थी इसलिए सर्वर्स बहुत बिजी थे और ये परिस्थिति का मैं विक्टिम बन गया। लेकिन थैंकफुली मेरा जो प्रॉब्लम है वो बाद में थोड़ी मुझे दिक्कत हुई लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आई हैड परचेज्ड अ स्मार्ट वॉच फ्रॉम अ रेप्यूटेड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। सो अगर आप स्टोर बोलना चाहते हो स्टोर कहिए, अगर आप ऑनलाइन पोर्टल कहना चाहते हो आप वो कहिए। यू कैन ऑल्सो नेम सम ऑनलाइन पोर्टल्स। मैंने जानबूझ के कोई नाम नहीं लिया है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मलाइन एनीबडीज इमेज वाइल एट द टाइम ऑफ गिविंग आइडियाज। सो मैंने स्मार्ट वॉच खरीदी थी एक रेप्यूटेड स्टोर से। यहाँ पे हमने दो क्यूज आंसर कर दिए कि हमने कब ये प्रॉब्लम फेस किया और हमने क्या खरीदा था। अब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। इट वॉज अ लिमिटेड एडिशन एंड आई वॉज इन अ हरी टू बाई इट। एक लिमिटेड एडिशन वॉच थी और मुझे ये खरीदने की बहुत ही जल्दबाजी थी। अब हम प्रॉब्लम डिस्क्राइब करेंगे। द प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वॉज आफ्टर बाइंग द प्रोडक्ट आई मेड एन ऑनलाइन पेमेंट। सो मैंने जो प्रॉब्लम फेस की वो क्या थी कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद मैंने ऑनलाइन पेमेंट की। माई मनी गॉट डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट बट इट डिड नॉट शो इन द रिसीवर्स अकाउंट। मेरे पैसे मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गए लेकिन रिसीवर्स अकाउंट में इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। समटाइम्स सच अ टेक्निकल ग्लिच हैपन्स एंड इट ऑल्सो गेट्स रिजॉल्व ऑन इट्स ओन और बाय रिफ्रेशिंग द एप्लीकेशन। कभी कभी ऐसा टेक्निकल इश्यू होता है लेकिन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, और कभी कभी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हावेवर दिस टाइम टू माई अनप्लेजेंट सरप्राइज इट डिड नॉट गेट रिजॉल्व फॉर 2 डेज। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मेरा प्रॉब्लम 2 दिन तक सॉल्व नहीं हुआ। सो हमने यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर दिया है। आई फेल्ट दैट दिस वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस। मुझे लगा कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग अनुभव था। यहाँ पे हम हमारे फीलिंग शेयर कर रहे हैं जो हमें पूछा गया है। आई वॉज फीलिंग रेस्टलेस एंड एंशियस बिकॉज द सेल वॉज जस्ट फॉर 24 आवर्स एंड द वॉच दैट आई वॉन्टेड वॉज ऑल्सो लिमिटेड इन नंबर। मैं बहुत ही रेस्टलेस और एंशियस फील कर रहा था क्योंकि जो सेल था वो सिर्फ 24 घंटों के लिए था और जो घड़ी मुझे चाहिए थी वो भी कम नंबर्स में थी, लिमिटेड थी। आई वॉज एंग्री ऑन द एप्लीकेशन एंड अपसेट विद द सिचुएशन। जो एप्लीकेशन थी, जो पोर्टल था ऑनलाइन जिससे मैंने ये चीज़ खरीदी थी, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और ये जो पूरी परिस्थिति थी उससे मैं बहुत ही अपसेट हो गया था। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात नहीं कर रहे हो तो आप आई वॉज एंग्री विद द शॉपकीपर ऐसा कह सकते हो। आई फेल्ट हेल्पलेस। मैं बहुत ही निसहाय फील करने लगा। आई हैड गिवन अप ऑन द होप ऑफ बाइंग द वॉच एंड आई थॉट दैट आई हैड लॉस्ट माई मनी। मुझे लगा कि अब मैंने अपने पैसे खो दिए और घड़ी खरीदने का जो होप था वो भी मैंने घुमा दिया। अ कपल ऑफ टाइम्स आई वॉज टेम्प्टेड टू प्लेस अनदर ऑर्डर बट माई मदर टोल्ड मी टू वेट। बहुत सारी बार मुझे ऐसा टेम्पटेशन हुआ कि मैं दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दूँ क्योंकि मुझे तो ये घड़ी डेस्परेटली चाहिए थी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे वेट करने को कहा।
फाइनली द प्रॉब्लम गॉट सॉल्व्ड एंड माय ऑर्डर वाज प्लेस्ड इन अ बैक डेटेड टाइम। सो फाइनली मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और मेरा ऑर्डर जो था वो बैक डेटेड टाइम में प्लेस हो गया। माय प्रोडक्ट वाज डिलीवर्ड 2 डेज लेटर एंड इट वाज एग्जैक्टली द सेम दैट आई वांटेड। 2 दिन के बाद मेरे प्रोडक्ट की डिलीवरी भी हो गई और एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए था उसी प्रकार का वो प्रोडक्ट था। आई वॉज मेंटली प्रीऑक्यूपाइड विद दीज थॉट्स अंटिल द वॉच अराइव्ड। जब तक ये घड़ी आई नहीं मैं उसके बारे में सोच सोच के प्रीऑक्यूपाइड हो रहा था। दो सच अ थिंग हैज नेवर हैपेंड विद मी इन माई शॉपिंग एक्सपीरियंस बट आई हैव डिसाइडेड टू चूज द ऑप्शन ऑफ कैश ऑन डिलीवरी नेक्स्ट टाइम। मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं हमेशा मेरी नेक्स्ट शॉपिंग में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज करूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे पास पढ़ना चाहते हो तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन क्लासेस के लिए मुझे संपर्क करें 7433016809। इफ यू लाइक माई वीडियोज गिव मी अ लाइक, शेयर माई वीडियोज एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल द बेस्ट।